वाव, वेदर कितना खास है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली बारिश का सीजन स्टार्ट हुआ है, पुणे में उतनी बारिश नहीं हो रही है, तो घर वालों ने बोला चलो कहीं हिल स्टेशन पे चलते हैं बारिश एंजॉय करने, इसलिए हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर। हम लोग कई बार महाबलेश्वर जा चुके हैं, साल में एक बार तो हम लोग जाते ही है वेदर एंजॉय करने के लिए। सो दिस टाइम हम अभी बारिश के सीजन में जा रहे हैं महाबलेश्वर। हम जहाँ पे जा रहे हैं, जो बंगलो हम लोगों ने लिया हुआ है वो हमारे घर से 114 किलोमीटर है। गूगल के हिसाब से हमें 3 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। 12:15 बजे हम लोग घर से निकले। महाबलेश्वर जाने तक का रास्ता मैं फिर से नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी महाबलेश्वर का वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे कैसे जाते हैं वो वीडियो में डिटेल में बताया है। तो वहाँ पे जाने का रास्ता है पुणे हडपसर, देन सासवड, सासवड केतकावड़े, देन हमको हाईवे पकड़ना होता है पुणे बैंगलोर हाईवे। सो पुणे बैंगलोर हाईवे से हम लोग जाते हैं आगे खंबाटकी घाट। खंबाटकी घाट क्रॉस करने के बाद महाबलेश्वर जाने वाला रोड आता है जो राइट टर्न में होता है, उसे महाबलेश्वर फाटा कहते हैं। वहाँ से हाँ हम लोग अंदर जाते हैं, तो पहला आता है वाई के बाद आता है 5 गली महाबलेश्वर। सामने आप ये दिवे घाट देख पा रहे हो। दिवे घाट के कई रूप मैंने वीडियोस में दिखाई हुए हैं। एक बार हम लोग धारवाड़ जा रहे थे, उस टाइम पे जम के बारिश हो रही थी, तब हम दिवे घाट क्रॉस कर रहे थे। सनी टाइम वाला दिवे घाट का वीडियो तो मैंने कई बार दिखाया है। इस टाइम पे जनरली दिवे घाट हरा भरा हुआ होता है, टोटली ग्रीन, बट बारिश ही नहीं है इस साल, तो लुक एट द व्यू। दिवे घाट में आज ट्रैफिक ही ट्रैफिक। Turn right onto Vaisarur Road. टर्न ले लिया है वाई के लिए। वाई के बाद आता है पसरणी घाट एंड देन 5 गणी एंड देन महाबलेश्वर। हम 5 गणी पहुंचे तो नजारे ही चेंज हो गए। बारिश हो रही थी वहां पे, टेम्परेचर में सडन चेंज आ गया और हमें हिल स्टेशन का मजा आने लगा। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारी टी एंड कॉफी, वेरी नाइस। हम लोग 3 बजे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ का वेदर रियली ऑसम। टाइम हो रहा है 4:30 और हम लोग चले महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर टेम्पल यहाँ से 15 किलोमीटर है, हमें जाने के लिए आधा घंटा लगेगा। बारिश बहुत ही कम है, वेदर बहुत ही ठंडा है, चिल्ड। पुणे में था 29 डिग्री, यहाँ पे है 24 डिग्री और विंडी भी है। लुक एट द वेदर गाइज, इट्स ऑसम। नजारे देखते देखते हम लोग कब महाबलेश्वर टेम्पल पहुंच गए पता ही नहीं चला, और सामने आया ये ब्यूटीफुल व्यू ऑफ महाबलेश्वर टेम्पल। एंट्रेंस के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब जगह पे फॉग ही फॉग भरा हुआ था। वेदर मस्त हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं श्री महाबलेश्वर मंदिर। वेदर आप देख सकते हो, वाव। महाबलेश्वर मंदिर के बाजू में ही अति बलेश्वर मंदिर है। हम आ चुके हैं अति बलेश्वर मंदिर। मंदिर बंद था बट हमने दर्शन ले लिया। हम अभी आए हैं पंचगंगा मंदिर। बारिश बहुत बढ़ गई है,
यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैंने मेरे वीडियो में दिखाया हुआ है ये स्थान, बट बारिश के टाइम में आने का ये पहला ही टाइम है। इथे कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री आणि गायत्री या नद्यांचा उगम झालेला आहे। याशिवाय इथे भागीरथी आणि सरस्वती इथे गुप्त स्वरूपात आहेत। टाइम हो रहा है शाम के 6 और आप देख पा रहे हो बारिश कितनी बढ़ चुकी है और फॉगी। हम जब 12:15 बजे घर से निकले थे पुणे से, तो पुणे का टेम्परेचर था 29 डिग्री और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और महाबलेश्वर का टेम्परेचर हो चुका है 19 डिग्री। 10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप और यहाँ पे चल रही है हवा, बहुत ही ठंडा वेदर है, रियली एंजॉय करने वाला वेदर है। हम मंदिर से वापस आ गए, बाद में हमने थोड़ी देर में डिनर किया और अच्छे से रेस्ट किया। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा महाबलेश्वर में डे 2 चल रहा है और ये हमारा मॉर्निंग एक अच्छा प्लेजेंट नज़ारे से हो रहा है। इतनी ग्रीनरी मॉर्निंग में देखने को मिल जाती है तो वो दिन सुहाना हो जाता है। पुणे में कहाँ पे मिलता है, सब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, बालकनी से यहाँ पे ग्रीनरी देखकर मन को शांति मिल रही है और उसके ऊपर ये मौसम भी बहुत बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स ट्रीज को टच करके फिर से ऊपर जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं मैप्रो में और मैप्रो का व्यू देखो, यहाँ से मैप्रो से ये कितना अच्छा फॉगी व्यू दिख रहा है, इट्स सो प्लेजेंट। इस व्यू के साथ हम लोग एंजॉय करने वाले हैं पिज्जा, सैंडविचेस एंड मच मोर। मैप्रो में अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस आ गए। यह है यहाँ का रात का नजारा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज़ द डे 4 ऑफ आर ट्रिप और मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है फॉग से, आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, लुक एट द फॉग, विजिबिलिटी 0। ब्रेकफास्ट करके हमने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। पसरनी घाट का व्यू है, इतनी बारिश नहीं हो रही है इसलिए इतना ग्रीनरी नहीं दिख पा रहा है। हम सासवड के बाद होटल गारवा में हमारा लंच कर रहे हैं। विप्रा इज एंजॉयिंग। फूड कैसा है विप्रा? फूड बहुत टेस्टी है। लंच करके सीधा हम लोग घर आ गए। इस प्रकार हम लोगों के लेजर हॉलीडेज खत्म हो गए। नेक्स्ट टाइम अगेन आई एम गोइंग टू कम विद वन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।